तई मैडिन बोली कि मेरी आज यमुनी खान पानी देख मैं सोतरु की साल्टी ला गई साल्टी ला गई गोबर भी निकाल दिया। अच्छा मोल भी निकाल दिया। गोणी भी आए थे। हाँ लंगूर भी आ रखी थी। अच्छा आज तो आप पेड़ में चढ़ाओ रोटी तो मैंने बनाई तू अच्छा, अच्छा मैंने नहीं बनाई भाई नहीं बनाई बोलती है बाबा चले आओ है और गाड़ी तो उन बुआई है का दिन सूझी बूझी सू सपा खेल अच्छा। आ जाता है रोकी ने बोल राजा को सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पवार और मेरे गांव का नाम है मायके का नाम चोपड़ा जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह की एक अच्छी सी धूप के साथ हो रही है। नाश्ता पानी करके मतलब नाश्ता पानी ले जाके मैं जा रही हूँ डाना छानी। ये देखें और पीछे का मौसम देखें तो बिल्कुल साफ मौसम है। कड़कती हुई अच्छी सी धूप लगी हुई है और गांव का माहौल बिल्कुल अभी सुनसान है क्योंकि सभी लोग ना खेत में चले गए हैं। चलते चलते छानी जाने के थोड़े ही नीचे के रास्ते में अभी हूँ मैं पहुंची हूँ और अभी तक तो मैं चाची औरों के साथ आई। बाकी अब जो हमारी छानी जाने का रास्ता है वो थोड़ा अकेला है तो उसके बाद चलूँगी सीधे गौशाला में मिलती हूँ आपको। और रास्ते में खूब सारे हिसूल मिल रहे हैं लेकिन काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए थे कि हिसूल ज़्यादा मत खाना। तो जो जो चीज़ आप बोलते हो जैसे कि कोई भी चीज़ जो पॉजिटिव लगती है मुझे वो मैं नहीं करती हूँ है ना। बाकी थैंक यू बहुत सारे लोग जो चीज़ें मुझे पता नहीं होती हैं वो चीज़ें बता देते हैं। और यहाँ पे आपको जितने भी पेड़ पौधे मिलेंगे सब इसी टाइप के मिलेंगे मतलब बांज बुरांस जिसको उस्त कहते हैं उस्ता होता है हमारे यहाँ। और ये चील के पेड़ ये देखिए छन्नी मंत्रालय का गेट तो चलते हैं। और छन्नी मंत्रालय में देखिए धुएं का शोर शराबा और भैंस की आवाज सुनाई दे रही है। बाकी माता श्री कहाँ है पता नहीं। हे माँ हे माँ यहाँ तो कोई भी नहीं है पता नहीं माँ कहाँ चली गई। बाकी इनको देखिए छन्नी मंत्रालय में भी धूप आने ही वाली है। बाकी ये लोग लगे हुए हैं अपने जुगाड़ पे। और यहाँ पे देखिए बाकी दोस्तों यहाँ से मुझे ड्यूटी दे रखी है जो लंगूर आ रखे हैं बहुत सारे तो बुआ जी ने अभी आवाज़ लगाई कि यहाँ से थोड़ा नीचे वाले खेतों में भी लंगूर देख लेना। नीचे की देखा जाए तो लंगूर वगैरह तो है नहीं यहाँ नीचे खेत हैं तो नज़र यहाँ से चारों तरफ जा रही है। बाकी यहाँ पर क्या होता है कि चार पाँच परिवार मतलब सारे गाँव के लोगों के आलू नहीं है सिर्फ चार पाँच परिवार ही हैं जिनके आलू लगाए रहते हैं बाकी लोगों ने छोड़ दिया है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि अब ज़्यादा लोग खेत नहीं कर रहे हैं तो हमारे परिवार में से चार हमारे परिवार में से हैं और तीन चार और परिवारों में से हैं तो उन्होंने ना बारी लगाई रहती है कि एक दिन ये देखेंगे एक दिन वो देखेंगे। तो लंगूर से तो बचाया जा सकता है लेकिन जब सूअर की बारी आए तो सूअर से बिल्कुल नहीं बचाया जा सकता है क्योंकि लंगूर तो दोपहर के टाइम पर आते हैं और सूअर रात को। बैठने के बाद अभी लंगूर तो नहीं आए हैं ऊपर मम्मी छन्नी मंत्रालय में आ चुकी है पत्ते की स्वाली लेके तो अब वहीं चलते हैं। और ये खेत हैं मेरे चाचा जी लोगों के तो यहाँ पर भी गेट है ऊपर साइड भी गेट है ऐसे ही रहते हैं। बाकी आज धूप काफ़ी कड़कती लगी हुई है। आगे यहाँ देखिए भाई माता श्री भी आ चुके हैं। हेलो
हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो मैं सोतरू की साल्टी ला गई, साल्टी ला गई गोबर भी निकाल दिया। अच्छा, मोल भी निकाल दिया। गोबर निकाल दिया, मैंने मोल कहाँ निकाला। दूध भी निकाल दिया। अच्छा, दूध भी निकाला। और रोटी बनाई मैंने। और तू अब आ रही? मैं अब आ रही हूँ, क्या कर सकते हैं भाई। मायके का यही आला सोला, ये मेरे सलवार खींच में लगा हुआ। बाकी क्या हाल चाल है? सब ठीक ही है। हाँ, गोनी गोनी भी आए थे? हाँ, लंगूर भी आ रखी थी। अच्छा, आज तो आप नीचे पेड़ में चढ़ा हो। आज तो प्रॉपर हिंदी। हाँ, डाले पे बोल दो, पेड़ तो पेड़ ही होता है। हाँ हाँ, पेड़ पर चढ़ा हो। उतरा का उतना का नाम नहीं ले रहा वो। अच्छा, उतरने का नाम नहीं ले रहा। हाँ। कहाँ पे है वैसे? नीचे है। अच्छा, नीचे खेतों में है, तो अब हम वहीं जाएं। रानी जी के खेत है, वो आया वो। हाँ, वो उनको तो गर्व था, हमारे खेत में कोई नहीं जाएगा। अब देखो, सुंगुरन भी रात को साफ कर दिया, लंगुरन भी सुंगुर और लंगूर दोनों आ रखे हैं यहाँ। हाँ, दिन में लंगूर की डर है। हाँ। रात में सुंगूर की डर है। सुंगूर की डर है। और क्या करे भाई, हम तो खाली के किसान है। बस हमारे मेहनत को कभी कोई खा रहा, कोई खा रहा है। बोल रहे हम लंगूर, बोल रहे हम सुंगूर, बोल रहे हम। और ऊपर देखो, आसमान तो बारिश ला नहीं रही है। हो गया ना सारा चौपट। हाँ, हमारे मेहनत चौपट हो गई। चलो तो सॉल्टी को अंदर रखो, रोटी खाते हैं जरा, अगर इच्छा होगी आपकी तो। है इच्छा तो है भाई। हाँ। काम खाता है भाई, तुम्हारी चार नहीं है। हाँ, हम किसान वाली में। हाँ, कितना काम कर दिया मैंने। वही तो। हाँ। हमने तो गु खा लिया जो हम यहाँ रोटी लेके आ गए। रोटी तो मैंने बनाई, तू ना बनाई। अच्छा अच्छा, मैंने नहीं बनाई भाई, नहीं बनाई। 5 बजे उठी थी। हाँ, अब तो 7 बजे उठ रही भाई। 7 बजे उठी थी। हाँ, क्या कर सकते हैं। मेरा मन नहीं कर रहा तो मन कहाँ से करेगा भाई, कहाँ से करेगा भाई। यहाँ धूप पे मत लाओ, वहीं खाते हैं। अरे वहाँ चलो, वहाँ नल है हमारा। अच्छा, धारा में चलना है। हाँ, पानी का नल है वहाँ। अच्छा, बहुत मेहनत कर रखे है हमने। 1500-1700 रुपए है हमारे वो। अच्छा। हाँ, इनके नल तो हम गरीब हो गए। इनके नल में चलते हैं भाई, जहाँ पे नल है। तो माँ का कहना है कि वहीं पे खाएंगे आज। है भाई, यार ये छोबर। हाँ? और सुवर राजा छोबर राजा। हाँ? और राजन बोल वाले। हाँ? राजा जान छोबल, हमें भूख छोबर राजा। हाँ? राजा हमें जान छो रागा साडियार। हाँ? तोरन जब सूजी बूजी बनी। और तेन उठिया खाए लेने जथे मोन बोलते खाए। जथे मोन बोले तापुर परवार वालों तभी कुटियार बाने ता लिया गए घर। हाँ, आप उसको शिकायत चल गए बंदू के थो। अच्छा, और आप उसको बोर्ड चल गए। हाँ हाँ हाँ, आरसी भी है ना। हाँ। ये नानी हर बलती है बाबा चल जाओ। है, और गाड़ी तो उन बुआई। हाँ। है का दिन ना सूजी बूजी सपा खेल। अच्छा। राजा था रोकी बोल, राजा घर आई मीट भी लिया आर तमा दिए चार तो सूजी ना। फिर गए राजा तक। अच्छा, राग से सूजी बूजी बनाई राजा ने खा ली नी। कदीन कही मैं यू सुन भी नहीं खाऊ। अच्छा, तो पुट कर कुटियार बांधे अड्डा पर मान घी बुनी मिल माप छोड़ दे। घी बूंदी, घी बूंदी किसी ने बोला क्या आज भी लिया बोलो। अरे हलवा कचौड़ी पकौड़ी। हाँ। आई मैडिन बोली कि मेरी आज यमुनी खान पानी मुलियान मुलियान। अच्छा, बिगर पानी पेट नहीं हो। और बस एक जगह मुके गुआन है, एक जगह मुके गुआन। यो लास्ट में बोली मेरी एक मम्मी वाला संगति होनी बात तो देखी। हाँ, आ तो बोल। यो ये तो तेरे बाबा से हुआ है खा लेनी बोल दो। हम तो बुआ कुटेले सब ते खाड़ चली। और तक राजा की सूजी बूजी बड़ाई खा ली तो ना। अरे दौर तो ना फाल्टा
स्वाल्टा पे और दौड़ दिन लोड़ी और बैठ गए इसे कौन है वो आ स्वाल्टा आ करे न उगाड़ा आप गोने पूछी रूठी राजा एक दिन राजा का पद प्रदान ले आ भैया माटी यार क्या चीज़ है नुवान मैं बनूँ सुरागस कि मैं बनूँ बनूँ ऐसो फोन खानो भाई क्या चीज़ अच्छा लगे और बड़ो गोनी दिनी धर दिनी स्वाल्टा में और गोनी पूछी रूठ गए स्वाल्टा नहीं से आ तो अच्छे लोड़ी आ लोड कौन बैठी गोड़ी मामा इनोली गोड़ी मामा इनोली है आ रागसन बोल की भाई चल भैरियो तो इनोल कक्षन बैठ गए भाई गोणी ते गोणी ने लंगुरन बोली कि भाई माम तो तीर पंचायत काने ली यो अब भीतर तो भाई ने आम सन ये खानो आप कुछ ईर पकड़े आम बैर कन के जानो कन के जा रागस फोन गए ये आ राजा ता स्वर्ग और कुरु तो बोल कथा कहानी पर रात में भी आनी बाकी दोस्तों नाश्ता करने के बाद ना मेरी हो गई है नीचे ताई जी लोगों के छाने में जाने की तैयारी। वहां देखना है लंगूर भी हैं कि नहीं। बाकी ये रही ताई जी लोगों की छानी और यहाँ पे देखिए तीन तीन फुकान सिंह हैं और इनको देख के ना डर भी लग रहा है। तो कोई फायदा नहीं है इतनी मेहनत करके। सुअर ने देखिए कि रात में आ रहा वो असाफ करे। यहाँ देखिए सुअर ने डाल के तो इतनी मेहनत भाई साहब बर्बाद कर रखी है। बाकी माँ जा रही है यहाँ पर बांझ काटने के लिए। ये देखिए तुम बाकी माँ ने ना पेड़ ऊपर से काट दिया है और काफ़ी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि पेड़ पे ना पहले से ही नहीं चढ़ी है क्योंकि पहले तो हम ही लाए। बाकी अब क्या करना करना तो पड़ता है। गई थी थोड़ा सा लकड़ी के लिए तो लकड़ी भी ले आई। बाकी माँ मुझे तो मना कर रही है तू मत ले जा क्योंकि जो दोनों भारी हैं वो बहुत ज़्यादा भारी हैं। बाकी इसका नाम जानते हैं कोई तो ज़रूर बताना कमेंट में। ओके और इसकी ये दाने खाने के लिए होती हैं आजकल मीठी होती हैं हिसल जैसी। ये चाची भी घर जा रही है अब। हेलो हेलो उन्हें बना हाय चल 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 जब वन बैठी थे तब उनके तक माँ उधर से आई और मैं इधर से काफी बड़ा बोझा ले आई थक गए। मंत्रालय में हम लोग पहुंच चुके हैं। गाय और भैंसों को नहलाना है और उसके बाद चलना है घर। माँ बांझ संभाल रही है वहां से और मैं यहाँ थोड़ा ना इन पे पाइप लगा रखा है मैंने। चलिए जी दूध और जो टिफिन वगैरह है उसको ले जाके मुझे जाना है घर। और माँ रोटी खा के आएगी नहीं क्या बोलते हैं लंगूर भगा के आएगी ना। चलो तब ठीक है
बाकी अब चलते हैं घर, टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं अभी, और मैंने घर जाना है पहले, बाकी माँ बाद में आएगी, तो चलिए।